नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फ्रेंड्स आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि इस दिसंबर के मंथ में ऐसे कौन कौन से परमानेंट प्लांट्स हैं जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि तभी आप लोग को पता चलेगा कि मैंने ऐसे कौन कौन सी कटिंग लगाई हुई है जो कि आप दिसंबर के मंथ में लगा सकते हैं। अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है तो इस टाइम पे आप कोई भी कटिंग लगा देंगे तो वो चल जाएगी, लेकिन कटिंग लगाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है कि कौन से हमें प्लांट लगाने हैं किस टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आज वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर फ्रेंड्स दिखा दूँ, ये मेरा मेरीगोल्ड का प्लांट है और मेरीगोल्ड अगर आप इस टाइम पर इनकी कटिंग लगाते हैं तो बहुत अच्छे से लग जाती है। और मैंने इसी प्लांट की 2-3 कटिंग लगाई है, कुछ हमेशा चलने वाली जो कटिंग्स होती हैं उनकी भी मैंने कटिंग्स लगाई है। तो कटिंग लगाने के लिए छोटे से छोटे स्टैम्प्स लेके लगा सकते, जैसे ये वाली है, यहाँ से कट करके एक स्टैम्प लेके लगा लेंगे तो आसानी से ग्रो हो जाती है। किसी भी सॉइल में, सैंड सॉइल है या फिर आप गार्डन सॉइल में लगा देंगे तो इसलिए ग्रो हो जाती है। उस टाइम बहुत ढेर सारी कलियाँ आ रही हैं तो मेरी गोल्ड की कटिंग ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट यहाँ मैं दिखा दूँ, ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया, बहुत अच्छे से ये लग गई है। तो विंटर सीजन में अभी आप क्रोटोन की भी कटिंग लगा सकते हैं, देख सकते हैं कितनी फ्रेश और अच्छे से तैयार हुई कटिंग। तो कटिंग लगाने के लिए एक छोटी सी नोट चाहिए होती है। आप बहुत लोग जो होते हैं मैच्योर स्टेम्स लेते हैं, बट मैच्योर स्टेम नहीं लेनी है आपको, यहाँ पे न्यू स्टेम लेनी है। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल ग्रीन वाली नहीं लेना, थोड़ा सा ब्राउन हो वही कटिंग लीजिएगा, फिर आसानी से ये लग जाएगा। लगाने का प्रोसेस बता दो फ्रेंड्स, आप सैंड सॉइल में या फिर गार्डन की नॉर्मल सॉइल में लगाएंगे आसानी से लग जाएगा। कटिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स कभी भी सॉफ्ट सॉइल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि कटिंग आपकी उसमें हिलती रहती हो, जो सैंड होता है या नॉर्मल मिट्टी होती है ना उसमें आपकी कटिंग बिल्कुल रुकी रहती है, टिकी रहती है, तो हिलने का भी चांस नहीं रहता है। तो ये प्रॉपर कटिंग मेरी लग गई है और ठंडी में थोड़ा सा स्लो मतलब रूट वो डेवलप होता है, बट अच्छे से लग जाते अगर लगाते हैं तो। और यहाँ पे देखिए मैंने लगाया हुआ था फ्रेंड्स एक्जोरा का कटिंग लगाई हुई थी, मैंने कटिंग प्रून किया था तो वो निकले हुए थे, तो मैं यहाँ पे ये रेड वाला है तो इसी गिलास में मैंने लगा दिया था। और इसी में फ्रेंड्स अभी रूट का तो नहीं पता क्योंकि 10-15 दिन पहले ही मैंने लगाया था। यहाँ देखिए इसी में मैंने जो स्नेक प्लांट है उनकी छोटी सी लीव्स मैंने कटिंग लगाई थी, फिलहाल इसमें रूट आ चुके हैं। मैंने रूट को देखा था तो भी मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक प्लांट दिखाने के चक्कर में मेरा एक्जोरा भी ख़राब हो जाएगा। एक्जोरा में रूट बहुत लेट आता है, इसलिए मैं इस तरीके से कटिंग लगा के कॉर्नर में रख देती हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा ये है फ्रेंड्स विन का सदाबहार, तो इनकी भी कटिंग मैंने देखी यहाँ पे लगाई हुई थी, इसकी वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी थी। तो सदाबहार जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना उनकी कटिंग आप अगर इस टाइम पे लगाते हैं तो इजली लग जाती है। तो मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी जिसमें से 2 ही सक्सेस हुई है। और अभी फ्रेंड्स सारी मिट्टी आपको गीली नज़र आ रही होगी, रीज़न ये है कि अभी 2 दिन तक लगातार हमारे यहाँ पर बारिश हुई जिसकी वजह से मिट्टी सारी गीली गीली लग रही है। फिलहाल मैं इस तरीके से अपने पौधे की मिट्टी बनाकर नहीं रखती हूँ। तो सदाबहार भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, हाइब्रिड वाले वो भी विंटर सीजन में इजिली लग जाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स चेन प्लांट है तो ये चेन प्लांट की कटिंग भी मैंने लगाई हुई है। परमानेंट प्लांट होते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो ये छोटी सी कटिंग मैं लेकर आई थी नर्सरी से, वहाँ से, क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैं इनको ऐड करना चाह रही थी हैंगिंग में। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है हैंगिंग प्लांट के लिए, तो इनकी भी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, इजिली ग्रो हो जाती है और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये जब नीचे ये हैंग करते हैं। तो अभी छोटा सा तो मैंने कोल्ड ड्रिंक बोतल थी उसी में मैंने लगाया है। नेक्स्ट है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत ही कम देखभाल में चलने वाले पौधे परमानेंट प्लांट्स हैं, तो अगर इनको भी आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इस कटिंग को मैंने लगभग 1 महीना हो गया लगाए हुए और देखिए इस तरीके से इसमें लीव आना शुरू हो गई है। पौधे को देखकर ही पता चल जाता है कि कटिंग लग जाती है जब उसमें न्यू स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है या न्यू शूट्स निकलने लगते हैं, इस तरीके से न्यू लीव्स आने लगती है। तो सिंगोनियम को भी आप कटिंग से इजली लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स है ये बेबी सन रोज है, तो ये वेरीगेटेड वाले हैं। मेरे पास फ्रेंड्स ये प्लांट नहीं था और मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, मैंने मेरे यहाँ पे जितनी नर्सरी थी ना सारी नर्सरी मैंने तलाश कर ली, बट बेबी सन रोज नहीं था। तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी नर्सरी मतलब पूरे यहाँ का जो मेरा एरिया है पूरे वहाँ पे प्लांट्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर मैं वो नर्सरी गई थी, तो वहाँ पर ये मुझे मिला, हैंगिंग में लगा हुआ था। तो मैंने इसे कटिंग फ्री में मांग ली तो बोला कि हाँ ले जाओ, मैं लेके लगा ली। तो यहाँ पर ना छोटा सा लिया था, पर मैं 2 कटिंग
तैयार करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कटिंग लगाएंगे तो अच्छे से मैं तैयार हो जाएगी, एक खराब होगी तो एक तो लग ही जाएगी। तो बेबी सनरोज़ को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये लाल सा है, बहुत ही प्यारा, पिंक और पर्पल में है। फ्रेंड्स, ये प्लांट गार्डन में अलग ही लुक क्रिएट करता है। अगर आपके पास फूलों की कमी है तो ये जो पौधे होते हैं आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर भी इसमें आते हैं छोटे छोटे से, तो फ्लावर को रिमूव करना है क्योंकि इनकी पत्तियाँ ही खूबसूरत लगती हैं। फ्लावर छोटे छोटे निकलते हैं जो कि प्लांट को ख़राब कर देते हैं, तो इनके फ्लावर हटा देना है। लाल सा की कई वैरायटी आती है, एक ये वाली है, एक आती है बिल्कुल रेड कलर नहीं पर्पल कलर में होती है। तो आपको आपके पास जो भी वैरायटी है फ्रेंड्स उनको ऐड कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स बात करूँ तो वो है हमारा गुलाब का पौधा है, और ये मेरा बटन रोज है। तो फ़िलहाल मुझे बहुत खुशी हो रही है, और यहाँ पे देखिए एक और कटिंग मैंने लगाई थी, ये इंग्लिश वाले रोज़ की कटिंग थी, और इसमें ना देखिए रूट्स आ रहे थे बट ख़राब हो गया है। और अभी यहाँ पे मतलब बारिश हुई थी तो आपको सारी मिट्टी गीली लग रही होगी। तो गुलाब के प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, दिसंबर के मंथ में इजली फ्रेंड्स लग जाता है, खास करके जो विंटर होता है हमारे रोज़ प्लांट के लिए ही होता है। और देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी हैं, कलियां भी इसमें आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी इसीलिए होती है कि जो कटिंग हम लगाते हैं वो अच्छे से तैयार भी हो जाती है और कली आ जाती है। तो यही पहचान है कि पत्तियाँ हरी भरी हो, कली आई हों, तो कटिंग उसकी सक्सेस हो जाती है। तो आप रोज़ प्लांट की कटिंग जरूर लगाइए, कोई भी वैरायटी का हो आप ज़रूर लगाना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास ये रियोक प्लांट है, वेरीगेटेड वाले हैं, मैंने आज छोटे से पॉट में कटिंग से लगाया है। इसका मदर प्लांट था जो फ्रेंड्स वो मर गया था, तो वही छोटे छोटे पौधे बचे हुए थे, तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है। तो इनके भी कटिंग हम लगा के फ्रेंड्स इन पौधों को सेव कर सकते हैं। और विंटर में तो बहुत अच्छे से चलता है, गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इनको सर्वाइव कराना, बट विंटर में बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। तो कटिंग कहीं भी मिल जाती है तो अपने गार्डन में इनको ज़रूर ऐड करना। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स वो है कलांचो। तो इस बार मैंने कलांचो के ढेरों सारे पौधे तैयार किए हैं, बस फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम ना हो, फंगस वगैरह ना लगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से पौधे ये जो सारे सेंसिटिव होते हैं, सकुलेंट वाले प्लांट होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बारिश में बचाना। बट मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही बारिश बंद हो मैं इनको अच्छे से धूप दिखाऊं, बट इन सबको मैंने कटिंग से तैयार किया है। अगर आपको कहीं भी ये कटिंग मिलती है तो गार्डन में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं सारे प्लांट। और मैंने लास्ट टाइम पे मतलब गर्मियों से ही मैंने इनको लिया था 50 रुपये में, लेकिन अभी सर्दियों में लेने जाएंगे तो आपको 100, 150, 250, 300 तक की यहाँ तक की मिलते हैं। बट ये एक बात है, एक बार जब इनको गार्डन में ले आते हैं ना तो खुद बटूट कर अपनी पत्तियों से भी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो इस बार मैंने ढेरों सारे तैयार किए हैं कलांचो के प्लांट, देसी वैरायटी आती है उनको भी मैं दिखाऊंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्लांट की बात करूं तो वो है हमारा जेट प्लांट है, और ये जेट प्लांट देखिए कितने अच्छे से ये चल रहा है। वो कटिंग देखिए छोटी से छोटी कटिंग इनकी लग जाती है, तो मैंने प्रून किया था, मतलब मैंने बोनसाई बनाए थे, तो बोनसाई में जो कटिंग निकली हुई थी इस तरीके से छोटी छोटी मैंने मिट्टी में लगा दी, क्योंकि जो प्लांट लवर होते हैं फ्रेंड्स उनकी जो क्या कहते हैं कटिंग होती है हम बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने देते हैं। तो देखिए इतनी छोटी कटिंग है और इसके सिर्फ 4 पत्तियां हैं, और 4 पत्ती नहीं एक ही 2 रही होंगी, मैंने इसे मिट्टी में लगा दिया था और ये लग गई, और मतलब इतनी छोटी कि मेरे हाथ में भी नहीं आ रही है। तो मिट्टी में इसे दबा दूँगी फिर से हो जाएंगे, और देखिए नीचे छोटे छोटे मतलब शॉट्स भी निकल रही हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग लगाई हुई ताकि बड़े हो जाके फिर से इनके हम बोनसाई बना सकें। तो यहाँ पे हम जेड प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माने जाने वाला है प्लांट होता है, लोग लगाते हैं कि लकी प्लांट है तो घर में सुख शांति को बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा ये फ्रेंड्स दुरंता का प्लांट है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि हमारा दुरंता का प्लांट लग जाए, और देखिए बहुत मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो दुरंता का प्लांट है तैयार हो गया है। एक स्टेम मतलब मैंने बड़ी सी लगाई थी बट एक स्टेम बची, दूसरी ये ख़राब हो गई है, और मैं बिल्कुल हिलाऊंगी नहीं, और पत्तियाँ आई हैं ना सबसे अच्छी यही बात है। मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरी ये तुरंत की कटिंग सक्सेस हो गई, क्योंकि बहुत मुश्किल से कटिंग लगती है। तो फिलहाल ये रेडी हो गया है कटिंग से, तो अगर मैं चाहूँ तो गिफ्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास प्लांट है। तो मैं इसलिए होता नहीं कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं, नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं गार्डन लोग की कटिंग लगती है या नहीं, तो वही चीज़ मैंने किया है।
नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स ये है हमारा एरेंथेमम, ग्रीन वाला है, ग्रीन येलो में है और पर्पल में भी आते, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है, छोटे से पॉट में वेस्टेज पड़ा हुआ था, फ्लावर पॉट ही बोलेंगे बट DIY वाले, तो इसमें मैंने इस कटिंग को लगाया। बहुत मतलब फ्रेश लीव्स आई हुई हैं, तो छोटी सी नई नोट लेकर हम कटिंग कर लगा देते हैं तो इजीली ये लग भी जाता है। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप एरेंथेमम को लगा सकते हैं। ये वाली वेराइटी, इसको भी मैंने अभी कटिंग से ही लगाया था, अभी कटिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो मैंने 6 इंच के पॉट में लगाया है। तो ये दो वेराइटी फ़िलहाल मेरे पास हो गई है और मैं चाहती हूँ कि हर वेराइटी के प्लांट्स मेरे पास हों, तो मैं इस तरीके से हर वेराइटी के प्लांट्स को लगाती रहती हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है पेंडानस का प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट की फैमिली से बिलोंग करता है और इनको हम इस तरीके से डिवाइड करके लगाते हैं, कटिंग नहीं बोलेंगे बट छोटे छोटे से नीचे से इसमें डिवाइडर रहते हैं, इसे हम अलग करके एक नया पौधा बना सकते हैं। तो एक इनको हम हैंगिंग बास्केट में या छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 6 इंच का पॉट है उसमें लगाया हुआ है, तो आप पेंडानस की भी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो, ये है कलांचू, देसी वाला कलांचू है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इनकी छोटी छोटी कटिंग लेके लगा देंगे ना, इसलिए लग जाएगा। हाइब्रिड की सेम मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे ये होती है, सेम ही है। तो यहाँ देखिए मैंने ढेरों सारे मतलब लगा के रखे हुए हैं, कुछ में कलियाँ आ रही थी बट उनको मैंने कट कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेगी हो रहा था। तो आप कलांचू की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स वो है कोलियस के प्लांट हैं, कोलियस की इस बार मैंने 5-6 वेराइटी अपने गार्डन में लगा के रखी हुई, 6 वेराइटी है वैसे मेरे गार्डन में, तो अभी इनकी भी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। तो देख सकते हैं ये सब मैं नर्सरी से लेकर आई थी, 6 वेराइटी नर्सरी से लाई थी, बाकी मेरे पास 2 थी, तो उनको भी मैं तैयार करूँगी। और बारिश की वजह से ना थोड़ा सा प्लांट मेरा कोलियस को ना ज़्यादा पानी नहीं पसंद है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा भी मुझे डर भी लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए। कटिंग लगाने के लिए यहाँ से छोटी सी स्टेम लेके हम किसी सॉइल में इस तरीके से नॉर्मल सॉइल जो होती है गार्डन सॉइल उसमें भी लगा देंगे तो ईजिली लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ इस तरीके से इनकी भी कटिंग लगा दे रही, कोलियस की आप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारा यूफोर्बिया मिली, यूफोर्बिया मिली की मेरे पास 3 वेराइटी है, एक ये देखिए मिनेचर वाली है, हाइब्रिड और देसी वाले हैं, टॉल डॉफ दोनों वेराइटी मेरे पास है। तो ये आप प्लांट जो देख रहे हैं इसको मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, जो आप मिनेचर वाली देख रहे हो, और एक ये वाली है, तुम आपको पता है टॉल वाली है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इनके फ्लावर। नेक्स्ट हमारे हैं फ्रेंड्स हिबिस्कस, अगर कटिंग की बात हो रही है हिबिस्कस की बात ना करें तो अधूरी रहेगी वीडियो। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेंड्स ये प्लांट दिखा दूँ, ये मेरे पास 2 साल हो जाएगा और इस बार इसमें कली आ रही है। इनकी पत्तियाँ मैंने बहुत लोगों के पास ये प्लांट देखे थे पर फ्लावरिंग नहीं देखी थी, इस बार इसमें कलियाँ आ रही हैं। तो हिबिस्कस की भी कटिंग हमें लगानी है, किस तरीके से चलिए बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये मैंने जो कटिंग ली है हाइब्रिड वाली कटिंग है, सर्दियों में खास करके हाइब्रिड की ही कटिंग सक्सेस होती है, देसी वाली लगा देंगे तो लगी रहेगी, बट लगाने की मैं बात करूँ तो आप हाइब्रिड की ही कटिंग लीजिएगा, हाइब्रिड हिबिस्कस की। तो यहाँ पे मैं मिट्टी ली हूँ, एलोवेरा जेल ली हूँ, और एलोवेरा जेल जो होता है फ्रेंड्स वो कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक अच्छा फंजीसाइड और रूटिंग हॉर्मोन्स माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एलोवेरा जेल लगा के मिट्टी में लगाती हूँ, मिट्टी बिल्कुल नॉर्मल मेरे गार्डन वाली ही है जो कि मैं बनाती रहती हूँ। और थोड़ा एक हाथ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड फ्रेंड बहुत छोटा है, तो कैमरा और कुछ चीज़ें जो दिखानी होती है ना मुश्किल हो जाती है, तो मैं जैसे तैसे करके आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि जब गार्डनिंग हम करते हैं तो खुद के दम पर ही करनी होती है, अदर कोई हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं किसी तरीके से कटिंग लगा के दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग लगा देनी है, कटिंग आप लगभग फ्रेंड्स 1-2 इंच अंदर करते ही हो, जब भी आप कटिंग लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी कटिंग क्या होती है वो ख़राब हो जाती है, तो 3 या 4 कटिंग ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं हिबिस्कस की 3 या 4 कटिंग लगा, उसके बाद पानी तो ज़रूरी है फ्रेंड्स कटिंग में नमी बनाने के लिए, तो यहाँ मैं पानी दे रही हूँ। और
इस तरीके से कटिंग लगा के छांव में रख देना। तो हिबिस्कस यानी गुड़हल की भी कटिंग ज़रूर लगाएं। ये मेरा फर्स्ट लव का प्लांट है, तो मेरा फर्स्ट लव जब पहली बार आया तभी ब्लूम किया, तब से किया ही नहीं, तो उसकी भी मैं कटिंग लगाने की कोशिश करूँगी, शायद कटिंग से इसके फ्लावरिंग आने लगे। तो यहाँ पर नॉर्मल गार्डन सॉइल है, क्या मेरा मतलब मोगरे का प्लांट है उसमें मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट लव का भी प्लांट लगा सकते, गोल्डन पांडा भी बोलते हैं इनको। अब इनकी भी कटिंग लगाए। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है फ्रेंड्स वो है हमारा नागचंपा है, और नागचंपा की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये फ्रेंड्स फ़िलहाल मैं कटिंग नहीं लगाने वाली थी इसकी, बट क्या था कि अब मैं आज कुछ काम कर रही थी तो मैं देखा नहीं मैंने प्लांट को, और उससे मैं सट गई और प्लांट मेरा गया टूट। देखिए ये मैंने कटिंग लगाई हुई थी, बहुत अच्छे से तैयार हुई है, और नागचंपा की मैंने ढेरों सारी कटिंग तैयार करी है, लोगों को मैंने गिफ्ट भी किया है। देखिए यहाँ से ये टूट गया था, और प्लांट मेरा बहुत ही बड़ा था, छोटे से पॉट में लगा हुआ था, इस तरीके से टूट गया, थोड़ा सा दुख हुआ, बट कटिंग आसानी से लग जाती है। तो मैंने सोचा चलो लगा भी थी तो वीडियो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गार्डन सॉइल, जैसे कि मैं हमेशा गार्डन सॉइल ही लेती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं 2 या 3 इंच इनको मिट्टी के अंदर करना, फिर आप कटिंग लग जाएगी। आप सैंड सॉइल में भी लगा सकते हैं, गार्डन सॉइल में भी, तो कटिंग लगाने का कोई टाइम नहीं होता पौधों को, आप कभी भी लगा दें। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इनकी कटिंग लगा दी हूँ। पॉट मेरा 6 इंच का है। अब इसमें फ्रेंड्स डालना है पानी। कटिंग आप अभी फ़िलहाल जितनी तेज़ धूप भी नहीं कि अभी कटिंग ख़राब हो जाएगी, तो मतलब हल्की हल्की धूप रहती, इतनी धूप काफ़ी होती है कटिंग के लिए। तो अब यहाँ पे पानी देना है, पानी मेन ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरा देखिए इतना बड़ा प्लांट लग गया यहाँ पे कटिंग से, तो यहाँ पे पानी ज़रूरी है। तो पानी पहली बार में दे देना इतना कि ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। तो फाइनली यहाँ पे मेरी कटिंग लगे। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स मोगरे का प्लांट है, तो मोगरे के प्लांट की भी कटिंग के कोई टाइम नहीं होता है। ये मैंने 2-3 महीने पहले लगाया हुआ था, अभी अच्छे से तैयार हो गया है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इनकी भी कटिंग तैयार कर सकते हैं, छोटी से छोटी स्टेम लेके ये तैयार हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप मोगरे की कटिंग भी ज़रूर ट्राई करें, और फिर मोगरे की बहुत सी वेराइटी आती है, कहीं भी मिल जाए तो लगाना ज़रूर। और फ्रेंड्स क्या होता है कि इनकी जो स्मेल होती है बहुत ही अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इनको गेट पर भी लगाते हैं लोग, पूजा में भी यूज़ किया जाता है, तो आप इनकी भी कटिंग ज़रूर लगाएं। सो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप अभी दिसंबर के मंथ में लगा सकते हैं। प्लांट लगाने की कटिंग का कोई टाइम नहीं होता है, जब भी आप चाहें कटिंग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इनकी ज़्यादा केयर की भी जरूरत नहीं पड़ती, इस टाइम पर ना तो ज़्यादा धूप होती है ना ही छांव होती है, तो नमी बनाए रखेगी आपकी कटिंग में। तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पे बेस्ट है, इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू प्लांट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।